दोस्तों फ्लिपकार्ट ने क्रिएटर स्टूडियो प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि अभी त्यौहार का सीजन चल रहा है और फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे सेल भी चल रही है, तो वैसे में हर कोई फ्लिपकार्ट से कुछ ना कुछ जरूर परचेस करेगा। तो आप चाहें तो फ्लिपकार्ट के क्रिएटर स्टूडियो प्रोग्राम में इस सेल के दौरान एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट क्रिएटर स्टूडियो प्रोग्राम बिल्कुल एक एफिलिएट प्रोग्राम के जैसा ही है। फ्लिपकार्ट क्रिएटर स्टूडियो प्रोग्राम में आपको फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट के लिंक को अपने सब्सक्राइबर, फॉलोवर, दोस्तों या फैमिली मेंबर के साथ या रिलेटिव के साथ शेयर करना होता है। अगर उस लिंक से उस प्रोडक्ट को कोई भी परचेस करेगा तो फ्लिपकार्ट आपको उस पर 12% तक का कमीशन देगा। सो इस वीडियो में मैंने आपको फ्लिपकार्ट क्रिएटर स्टूडियो प्रोग्राम को एक्टिवेट करने का, उसे यूज़ करने का कंप्लीट प्रोसेस बताया है। कैसे यहाँ पर अर्निंग होगी ये सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करना है। नीचे आपको अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको अर्न विथ फ्लिपकार्ट के सेक्शन में फ्लिपकार्ट क्रिएटर स्टूडियो का ऑप्शन दिखेगा, इसे आप क्लिक करेंगे। अगर आपको फ्लिपकार्ट क्रिएटर स्टूडियो का ऑप्शन नहीं दिखता है तो आपको अपने फ्लिपकार्ट ऐप को प्ले स्टोर से अपडेट करना है, तब आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। फिर स्टार्ट अर्निंग पर क्लिक करेंगे। आप फ्लिपकार्ट क्रिएटर स्टूडियो के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी चेक करना होगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम या यूट्यूब से अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जिस सोशल मीडिया पर आपके सबसे ज़्यादा फॉलोवर हैं उसी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा फॉलोवर है तो मैं यहाँ पर यूट्यूब सेलेक्ट करूँगा। अगर आपके इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोवर हैं, सबसे ज़्यादा लाइक्स आते हैं, तो आपको इंस्टाग्राम सेलेक्ट करना है। अगर आप यूट्यूब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने यूट्यूब चैनल का लिंक देना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। और अगर आप इंस्टाग्राम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम आईडी को देना है या यूज़र नेम को देंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये यूट्यूब चैनल आपका ही है, इसे वेरीफाई करने के लिए आपको फ्लिपकार्ट के एक वीडियो के कमेंट वाले सेक्शन में हेलो फ्लिपकार्ट लिखना है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे, ये आपको यूट्यूब पर रिडायरेक्ट कर देगा। फिर यूट्यूब पर एक वीडियो ओपन होगा, कमेंट में आएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे हेलो फ्लिपकार्ट, फिर सेंड करेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको उसी यूट्यूब चैनल अकाउंट से कमेंट करना है जिसका लिंक अभी आपने यहाँ पर दिया था। अब आपको बैक आ जाना है, फिर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, अब आपको 2 से 3 दिन तक वेट करना है, आपका एप्लीकेशन वेरीफाई किया जाएगा। अब 2 से 3 दिन के बाद फिर से आप फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करेंगे, नीचे अकाउंट में आएंगे, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, अर्न विद फ्लिपकार्ट में फ्लिपकार्ट क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक करेंगे। अगर आपके सामने इस तरह का होम पेज आ जाता है और अर्निंग का सेक्शन आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका एप्लीकेशन वेरीफाई हो चुका है। अब आप यहां पर अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। अर्निंग करने के लिए आपको फ्लिपकार्ट के किसी भी प्रोडक्ट के लिंक को शेयर करना है, और अगर कोई उस लिंक से उस प्रोडक्ट को परचेस करता है तो उस पर आपको एक अच्छा कमीशन दिया जाएगा। आप चाहें तो प्रोडक्ट का लिंक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर किसी को भी भेज सकते हैं। प्रोडक्ट लिंक क्रिएट करना बहुत ही आसान है, बस आपको फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करना है। सर्च बार में आएंगे, जिस भी प्रोडक्ट के लिंक को आप शेयर करना चाहते हैं उसे आप यहां पर सर्च करेंगे। जैसे कि मैं यहां पर शूज़ का लिंक शेयर करना चाहता हूं, उस शूज़ को सेलेक्ट करेंगे, उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसका लिंक आप क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको इस शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है, फिर आप चाहें तो इसके लिंक को कॉपी कर सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ से ही अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर व्हाट्सएप पर किसी को इस लिंक को शेयर करूंगा, फिर उस कॉन्टेक्ट या ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे जिसे आप ये शेयर करना चाहते हैं। अब जिसे आपने ये लिंक शेयर किया है बस उसे इस लिंक पर क्लिक करके इस प्रोडक्ट को परचेस करना है, उसके बाद आपको इसका कमीशन मिल जाएगा। अपने अर्निंग को ट्रैक करने के लिए और पेमेंट का पे आउट लेने के लिए आपको बैक आना है, फिर से क्रिएटर स्टूडियो के डैशबोर्ड पर आएंगे। ऊपर में आपको अर्निंग का सेक्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट ऑर्डर होने के बाद उसका कमीशन आपका टोटल पेंडिंग में आकर रखा जाएगा, और जैसे ही उस प्रोडक्ट का रिटर्न विंडो क्लोज होगा तब जाकर उसका कमीशन अमाउंट पेमेंट एलिजिबल में आकर रखा जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट 100 रुपये या 100 रुपये से ज़्यादा हो जाता है तब आप इसे यहां से आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। पेमेंट को विड्रॉ करने के लिए यहां पर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे, फिर यहां पर आप अपना नाम देंगे, पिन कोड देंगे, स्टेट पर क्लिक करेंगे, यहां से आप अपने स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, फिर सिटी का नाम देंगे, एड्रेस देंगे, फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसी स्पेलिंग के साथ अपना पूरा नाम लिखेंगे, जिस स्पेलिंग के साथ आपका नाम आपके बैंक अकाउंट में लिखा हुआ है, फिर अकाउंट नंबर देंगे, उसी अकाउंट नंबर को नीचे दोबारा कंफर्म करेंगे, IFSC कोड देंगे, फिर सेव पर क्लिक करेंगे। बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है, पेंडिंग वेरिफिकेशन का मैसेज आएगा, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल वेरीफाई की जा रही है, कुछ सेकेंड यहाँ पर आपको वेट करना है। बैंक अकाउंट ऐड होने के बाद आप चाहें तो बाद में कभी भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को
चेंज या अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, फिर माय बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे, फिर डिलीट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। आपका बैंक अकाउंट रिमूव हो चुका है, फिर से बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे। अब जैसे ही आपका पेमेंट 100 रुपये या 100 रुपये से ज़्यादा होता है, बस आपको विड्रॉ नाउ पर क्लिक करना है। आपका ये पेमेंट आपके उस बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब आप में से कई के मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि आखिर आपको कौन से प्रोडक्ट पर कितना कमीशन दिया जाएगा। इसे जानने के लिए आपको होम पेज पर आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अर्न अप टू 12% कमीशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कमीशन की पूरी लिस्ट आ जाएगी कि किस कैटेगरी के प्रोडक्ट पर आपको कितना कमीशन दिया जाएगा। यहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कमीशन आपको स्मॉल होम अप्लायंसेस पर दिया जा रहा है, जो कि 10% है। तो आपको कोशिश यही करना है कि आपको ज़्यादा कमीशन वाले कैटेगरी वाले प्रोडक्ट को शेयर करना है, ताकि आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें।